हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में स्टूडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके की प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों, देखिए जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है कि बूंद का संबंध जिस प्रकार से यहाँ पर लिखा है महासागर, उसी प्रकार से आगे दिया है दोस्तों, कह रहा है कि नक्षत्र का संबंध क्या होगा, क्वेश्चन मार्क है। अभी हाल ही के एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। और भी प्रश्न है दोस्तों, यदि कि 3 का संबंध यदि 18 है तो उसी प्रकार से 13 का संबंध क्या है, क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, यदि श्रृंखला को पूरा करें एक सीरीज है, जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं, टोटल 16 प्रश्न जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 308 है दोस्तों, जिसने पार्ट 307 तक नहीं देखा है तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो SSC का एस्पिरेंट हो, बैंक, रेलवे, CGL, LP, टेक्नीशियन, DFCCL, MTS, CHSL, CPO, SSC, GD, CISF, UKPSC, DSSB, CTET, IBSSC, स्टेनोग्राफर, DRDO, यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, GD, बैंक, PO, क्लर्क, ग्रुप डी, NTPC, RPF, आर्मी, SSB, ITBP, CRPF, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो बिहार सचिवालय, बिहार पुलिस, UPSI, UP पुलिस, दिल्ली हेड कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस, हरियाणा SSC, पटवारी, LIC, MTS, हवलदार, फॉरेस्ट गार्ड, MP पुलिस, कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अपडेट सभी एग्जाम के लिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों हम लोगों के सामने पहला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट, और इन सभी क्वेश्चनों का PDF टेलीग्राम से मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों, बूंद का संबंध जिस प्रकार से महासागर है तो उसी प्रकार से नक्षत्र का संबंध क्या होगा। तो देखिए हम लोगों का यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, बूंद का संबंध दे दिया है, क्या लिखा है, महासागर, यानी बूंद जिस प्रकार से, बूंद हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, महासागर, उसी प्रकार से नक्षत्र का संबंध यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, आकाश हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, बस तरीका को समझना था, जिस प्रकार से बूंद का संबंध महासागर दिया है तो उसी प्रकार से नक्षत्र का संबंध क्या हो जाएगा दोस्तों, आकाश हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, कई बार इस तरीके के प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है, श्रृंखला को पूरा करें एक सीरीज है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो देखिए जैसे हम लोगों के सामने 9 है, उसके बाद यहाँ पर लिखा है दोस्तों 17, उसके बाद हम लोगों के सामने लिखा है 33, बस ध्यान से देखते चलिए, जैसे जैसे सीरीज दिया है बस सीरीज को आपको गौर करना होता है कि सीरीज बढ़ रहा है कि घट रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा है दोस्तों 65 और आगे दिया हम लोगों के सामने क्वेश्चन मार्क। तरीका यहाँ पर हुआ क्या था और कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा, ये देखिए 9 से यदि हम लोगों का 18 पे जाएंगे दोस्तों तो हम लोगों को क्या करना होगा, तो यहाँ पर गुना 2 कर देना है और माइनस क्या कर देना है दोस्तों, 1 कर देना है। तो 9 × 18 में 1 घटेगा तो क्या होगा 17। उसी प्रकार से देखिए 17 से यदि 33 तो गुना 2 कर देना है और माइनस 1 कर देना है। तो देखिए 17 × 34 में से 1 घट जाएगा 33। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर जाएंगे दोस्तों, यानी गुना 2 और माइनस क्या दोस्तों 1, तो 33 × 2 कर देंगे 66 में 1 घटा देंगे तो 65। उसी प्रकार से यहाँ पर कर देंगे दोस्तों गुना 2 और माइनस 1, तो 65 और गुना 2 कर देंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा हम लोगों का 130 हो जाएगा। 130 में 1 घटा देंगे तो 129। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे यहाँ पर हुआ क्या, बस श्रृंखला सीरीज को समझना होता है कि किस तरीके से दिया था, यानी गुना 2 माइनस 1, गुना 2 माइनस 1, गुना 2 माइनस 1, तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया गया है, ये देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, लुप्त संख्या ज्ञात करें यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, यही बात आपको बताना है। तो देखिए आपके लिए तरीका बताते हैं, सबसे शॉर्ट सबसे सरल,
आखिर आपको गौर करना होता है कभी भी, अगर जो बड़ा नंबर रहेगा उसी पे गौर करना होता है, आखिर इन छोटे नंबर को ऐसा क्या करें जो कि हम लोगों का बड़ा नंबर दिया है। इन छोटे नंबर को आप गौर करेंगे दोस्तों कि आखिर क्या करेंगे जो कि बड़ा हो जाए। कभी जोड़ के लिखता है, कभी एक दूसरे को घटा के, कभी एक दूसरे का स्क्वायर करके जोड़ता है, कभी एक दूसरे का क्यूब करता है, तो इस तरीके से करना होता है। यहाँ पर एकदम बेसिक तरीका आपको बता देते हैं उसने क्या किया दोस्तों और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। देखिए यहाँ पर उसने क्या कर दिया दोस्तों, जैसे हम लोगों के सामने लिखा है 42, तो यहाँ पर लिख देते हैं, देखिए जैसे हो जाएगा हम लोगों के सामने 42, उसके बाद यहाँ पर कर देंगे दोस्तों प्लस का प्लस और यहाँ पर कर देंगे 49, तो जैसे ही जोड़ देंगे तो हम लोगों के सामने कितना हो जाएगा दोस्तों 81 हो जाएगा। बस ऊपर वाला दोनों संख्या को आपको क्या कर देना है, जोड़ देना है। जैसे ही जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 81 हो जाएगा। उसी प्रकार से हम लोगों के सामने देखिए इसका कर देंगे दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा 22 प्लस का प्लस, यहाँ पर कर देंगे हम लोग 36 कर देंगे, तो जैसे ही 22 और क्या कर देंगे दोस्तों 36 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा हम लोगों के सामने 58 हो जाएगा। यानी कि देखिए इसको और ऊपर वाला सभी संख्या को जोड़ के नीचे वाला संख्या लिखा था, जैसे 42 और 39 को जोड़ देंगे तो 81 हो जाएगा, 22 36 को जोड़ देंगे तो 58 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से जिसका निकालना है दोस्तों उसका कर दीजिए, देखिए 17 प्लस क्या कर देंगे 43 कर देंगे, तो जैसे ही जोड़ देंगे तो हम लोगों के सामने कितना हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 7 3 10 और इधर हो जाएगा दोस्तों देखिए हम लोगों के सामने कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। देखिए ना यहाँ पर जैसे ही जोड़ देगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों 60। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस तरीका को जोड़ना था कि यानी कि तरीका को समझना कि ऊपर वाला दोनों संख्या को जैसे ही जोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों 60 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। देखिए जैसे दिया गया दोस्तों अगला प्रश्न हम लोगों के सामने चौथा नंबर क्वेश्चन इध गया, कह रहा है कि 3 का संबंध जिस प्रकार से 18 लिखा है तो उसी प्रकार से 13 का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो जल्दी से वहां पर बताइए दोस्तों आखिर कैसे इस प्रश्न का आंसर किया है, यानी 3 का संबंध उसने क्या लिखा है, 18 लिखा है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर दिया गया दोस्तों समानुपात, और कह रहा है हम लोगों के सामने क्या कि 13 का संबंध क्या होगा, इस बात को आपको बताना है। तो तरीका ये देखिए उसने किस तरीके से किया है और क्या करेंगे जो कि हो जाएगा हम लोगों का आंसर। देखिए एकदम सिंपल तरीका, 3 से यदि 18 पे जाएंगे तो उसने क्या किया दोस्तों, गुना 6 कर दिया। उसी प्रकार से हम लोग 13 से जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 6 से गुना कर देंगे, तो 13 कितना हो जाएगा दोस्तों, 78 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझना है, प्रश्न को रटना नहीं, यहाँ पर हुआ क्या है और कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा, यानी गुना 6 कर दिया, तो जैसे ही गुना 6 कर देंगे तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने पांचवा नंबर क्वेश्चन, यानी यहाँ पर देखिए इसका संबंध इस तरीके से लिखा है, उसी प्रकार से इसका संबंध क्या, क्वेश्चन मार्क है। ये देखिए आपको बताते हैं, जैसे हम लोगों के सामने बी है, उसके बाद लिखा है डी, उसके बाद लिखा है एफ और क्या लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने एच, तो इसी को लिखा है देखिए आई, उसके बाद लिखा हम लोगों के सामने के, उसके बाद लिखा है एम, उसके बाद लिखा है यहाँ पर ओ। उसी प्रकार से आगे दोस्तों हम लोगों के सामने क्यू, उसके बाद लिखा है एस, उसके बाद लिखा है यू और क्या लिखा हम लोगों के सामने डब्लू। तो देखिए तरीका यहाँ पर बताना चाहते हैं कि क्या किया उसने, कि बी से यदि आई पे जाएंगे दोस्तों तो ए बी सी डी में बी के बाद होता है हम लोगों सी डी ई एफ जी एच आई, यानी कि उसने क्या कर दिया दोस्तों, यहाँ पर देखते चलिए कि आखिर क्या किया है। यहाँ पर सब में हमको लग रहा है कुछ ना कुछ लेटर उसने क्या किया है, जोड़ा है, तो कितना लेटर जोड़ा है ये बात आपको बता देते हैं, उसने 7 लेटर सब में क्या कर दिया दोस्तों, प्लस कर दिया उसने 7 लेटर। उसी प्रकार से इसमें जैसे ही 7 कर देंगे प्लस, इसमें कर देंगे दोस्तों प्लस 7, उसी प्रकार से इसमें कर देंगे क्या दोस्तों 7, सब में आपको प्लस 7 करना है, बस आपका क्या निकल जाएगा आंसर का, वही करके उसने यहाँ पर लिखा था, जो काम आप उधर किए वही काम आप इधर कर दिए। तो जैसे ही हम लोग इस पे जोड़ेंगे दोस्तों, यानी 7 लेटर जैसे ही जोड़ देंगे तो हम लोगों का क्या आंसर हो जाएगा, इधर के क्यू में जैसे ही 7 लेटर जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने जेड हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा, और डब्ल्यू में जैसे जोड़ेंगे तो डी हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे यहाँ पर हुआ क्या, सब में 7 7 लेटर प्लस कर दिया था, तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने छठा नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा शब्द अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ पर गौर कीजिएगा क्या लिखा है, नहीं बनाया जा सकता है। दो तरीके से प्रश्न पूछता है, कभी बनाया जा सकता है कभी नहीं बनाया जा सकता है, तो यहाँ पर कौन सा, तो देखते हैं इसमें ये ब्यूटीफुल लिखा है, इसी में आपको देखना है कि आखिर कौन कौन, जैसे एल आई एफ टी, तो देखते हैं मिल रहा है क्या, तो एल यहाँ पर हाँ, तो एल हम लोगों का है, उसके बाद आई भी में है, एफ भी है, टी ये तो बनाया जा सकता है,
उसके बाद फुल लिखा है, तो एफ, उसके बाद हम लोगों के सामने यू, और उसके बाद लिखा है डबल एल। हाँ, तो यही नहीं बनाया जा सकता, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा? यही वाला नहीं बनाया जा सकता। और यहाँ पर लिख दीजिए एल का प्रयोग, एक बात लिख देंगे कि एल का प्रयोग दो बार किया, यहाँ पर लिख दीजिए दोस्तों एल का प्रयोग दो बार, यहाँ पर कर लीजिए कि दो बार किया है, एल का प्रयोग दो बार किया है। देखिए ना, एल यहाँ पर दो बार लिख दिया, इसीलिए गलती हो रहा है, बल्कि यहाँ पर एल देखिए हम लोगों का एक के गुआ, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। कभी कभी पूछता है बनाया जा सकता है, कभी कभी पूछता है नहीं बनाया जा सकता है, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर यहां पर डबल एल है, जबकि ब्यूटीफुल में तो सिर्फ एक ही एल है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा क्या होगा दोस्तों, यानी कि यही तो नहीं बनाया जा सकता। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने सातवां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। विषम का मतलब चार में से तीन समान है दोस्तों, एक अलग है, तो कौन सा अलग है? ये देखिए, जैसे यहाँ पर हो गया प्याज हो गया, उसके बाद आलू हो गया, गाजर हो गया, तो ये सभी हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर लिख देंगे यानी जमीन के अंदर होते हैं। ये क्या होते हैं दोस्तों? जमीन के अंदर हम लोगों का, यानी कि जमीन के अंदर होते हैं, जल की मतलब जमीन के अंदर होते हैं। जबकि यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, टमाटर हम लोगों का क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए टमाटर तो हम लोगों का जमीन के ऊपर में होता है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए टमाटर हम लोगों का जमीन के, जैसे देखिए दिया गया दोस्तों, तो इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? टमाटर यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए प्याज हो गया, आलू हो गया और गाजर हो गया, ये सभी हम लोगों का क्या होता है दोस्तों? जमीन के अंदर। अभी बता चुके हैं कि यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने जमीन के क्या होते हैं? अंदर में होते हैं, इसीलिए यानी जमीन के अंदर क्या होते हैं दोस्तों? उपजते हैं, जमीन के अंदर होते हैं, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? दूसरा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने आठवां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में निहित है, यानी कि ये जो फिगर दिख रहा है वो कौन सा उत्तर आकृति में है। तो देखिए, क्या हम लोगों के सामने यहाँ पर नजर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। इसमें आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। हाँ, इसमें आ रहा है दोस्तों। यहाँ पर हम लोगों का इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। देखिए, अंदर में जब आप देखेंगे तो हूबहू इसी तरीके का फिगर बना है, यानी कि एक त्रिभुज इस तरीके से किया है और इसी पे इस तरीके से किया है, तो बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका तीसरा क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। देखिए ना, त्रिभुज इस तरीके से किया था और उसके बाद यहाँ पर एक रेखा दिया और इसमें क्या कर दिया दोस्तों? ऊपर में इस तरीके से, तो एकदम अंदर में हूबहू उसी तरीके से उसने कर दिया है, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका तीसरा क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दिया है नौवां नंबर क्वेश्चन, इधर कह रहा है कि दक्षिण दिशा। सबसे पहले आप एक बात नोट कर लेंगे कि पूरब हम लोगों के सामने इस साइड लेना है, इसके जस्ट अपोजिट में हम लोगों को क्या लेना होता है दोस्तों? पश्चिम लेना होता है, और जस्ट ऊपर में आपको क्या लेना है दोस्तों? उत्तर लेना है, और जस्ट इसके नीचे क्या लेना है हम लोगों को? दक्षिण लेना है। इतना बात हमेशा आपको याद रखना होगा इस तरीके के प्रश्न करने के लिए कि पूरब हमको किसी भी हालत में उधर लेना है और पश्चिम इधर, ऊपर में उत्तर और नीचे दक्षिण। तो देखिए, अब जैसे जैसे उसने कहा है वैसे वैसे चल दिए कि दक्षिण दिशा की ओर चलने के बाद, यानी वो दक्षिण की ओर चल रहा है दोस्तों, दीदी के दक्षिण की ओर चल दिया और कितना चला? 8 किलोमीटर। उसके बाद दाईं ओर मुड़ा और 9 किलोमीटर चला, यहाँ से यहाँ तक चल दिए, यानी दाईं ओर, क्योंकि दक्षिण में आ रहा था, इधर क्या हो जाएगा? 9 किलोमीटर। उसके बाद फिर से दाईं ओर मुड़ा और रुक जाता है, यानी दाईं ओर मुड़ा, यानी कि वहाँ पर बोल रहा है कि दाईं ओर मुड़ा और क्या, रुक जाता है। तो अब वह किस दिशा में था? ये जो दिशा है दोस्तों, यानी कौन सा हो जाएगा? उत्तर दिशा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर गया। प्रारंभिक बिंदु हम लोगों का यहाँ से स्टार्ट किया, ये जो बिंदा देख रहे हैं यहाँ से स्टार्ट किया, इस तरीके से गया, तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यानी अभी वो कहाँ जा रहा है? उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दसवां नंबर क्वेश्चन दिया है ब्लड रिलेशन से, देखिए कह रहा है कि प्रीति का अरुण नामक एक पुत्र है। तो यहाँ पर बना लीजिए दोस्तों, ये देखिए एकदम तरीका सबसे शॉर्ट बनाते हैं कि इस जगह पर हम लोग क्या लिख देते हैं दोस्तों, आप प्रीति लिख लेते हैं, ये देखिए इस जगह पर, हाँ इस जगह पर अच्छा रहेगा कि यहीं पर लिख लेते हैं कि प्रीति का अरुण नामक एक पुत्र है। ठीक है, प्रीति का एक पुत्र है दोस्तों, उसका नाम क्या लिखा है? उसने अरुण दिया है, तो यहाँ पर लिख लीजिए अरुण है।
उसके बाद कह रहा है कि राम जो है प्रीति का भाई है और नीता भी जो है हम लोगों का रीमा के पुत्री और नीता जो है राम की बहन है। अच्छा तो यहाँ से एकदम क्लियर हो जाएगा दोस्तों। ये देखिए प्रीति यहाँ पर लिख लिए तो प्रीति का एक भाई है दोस्तों, यानी कि उसका नाम क्या हम लोगों के सामने राम है। और तो राम कर लिए प्रीति का भाई और राम जो है प्रीति का भाई है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है दोस्तों हम लोगों का कि नीता जो है, देखिए नीता यहाँ फिर आगे लिखा है नीता भी रीमा नामक एक पुत्री है और नीता जो है राम की बहन है। अच्छा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, एक नीता है तो यहाँ पर कर लिया जाए कि एक नीता जो है हम लोगों का राम का क्या है दोस्तों बहन है, और इसका एक और क्या है पुत्री है, उसका नाम क्या है दोस्तों हम लोगों का, यानी कि रीमा है। यहाँ पर क्या दिया दोस्तों, रीमा दिया है। तो बस हो गया, वही कह रहा है कि अरुण का रीमा के साथ क्या संबंध है, अरुण रीमा का कौन हो जाएगा दोस्तों, मौसेरा भाई। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप घबराएंगे नहीं, साफ साफ लिखा है कि प्रीति जो है प्रीति का अरुण नामक पुत्र है, तो प्रीति का यहाँ पर कर दिया अरुण नामक पुत्र बना लिए। जैसे जैसे उसने कहा रहा है अरुण नामक पुत्र है, फिर कह रहा है कि राम जो है प्रीति का भाई है, यानी राम जो है दोस्तों प्रीति का भाई कर दिया। अब फिर कहा है कि हम लोगों का नीता भी रीमा नामक पुत्री है, यानी नीता का क्या दोस्तों रीमा नामक एक पुत्री है और नीता राम की बहन है, तो अरुण रीमा के साथ क्या हो जाएगा, मौसेरा भाई हो जाएगा। यानी इन दोनों में रिलेशन पूछा गया दोस्तों कि अरुण और रीमा में पूछा गया, तो इस दोनों में इसका कौन हो जाएगा, मौसेरा भाई हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 11 नंबर क्वेश्चन दिया है कि कुछ समीकरण जो है कह रहा है किसी संख्या पद्धति पर आधारित है, तो ठीक है आधारित दिया गया है उसमें, और कह रहा है कि सही उत्तर का पता लगाइए। तो देखिए यहाँ पर बताते हैं उसने क्या किया है। ये देखिए जैसे हम लोगों के सामने ये 6 जो देख रहे हैं उसने क्या कर दिया दोस्तों, 6 को यहाँ पर लिख दिया। उसी प्रकार से देखिए ये 4 को उसने क्या कर दिया दोस्तों, यहाँ पर लिख दिया है। उसी प्रकार से फिर क्या किया दोस्तों, उसने 9 को यहाँ पर लिख दिया, यानी इसी को कुछ ना कुछ करके उसने लिखा है। फिर क्या किया दोस्तों, 9 को किया है। तो यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए, देखिए पहले लिखा उसके बाद इसको क्या कर दिया दोस्तों, 4 को यहाँ पर लिखा। उसी प्रकार से फिर क्या लिखा दोस्तों हम लोगों के सामने, 9 को यहाँ पर लिखा, उसके बाद उसने क्या कर दिया दोस्तों, 3 को हम लोगों का यहाँ पर लिख दिया। तो उसी प्रकार से इसमें भी क्या है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर जैसे देखिएगा शुरू वाला संख्या को शुरू में लिखा है यानी 8 लिखा है, तो उसी प्रकार से हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर यानी कि इसको कर देंगे तो देखिए 8 को लिखा है, तो उसी प्रकार से यहाँ पर स्टार्टिंग होगा तो हम लोगों के सामने क्या होगा, 7 से स्टार्ट होगा। तो 7 से स्टार्ट होगा तो ये भी ऑप्शन है, देखिए 21 टोम आंसर कर सकते थे इस प्रश्न का, आंसर ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा, 7 होगा। फिर हम लोगों का आखिरी वाला अंक किया है यानी कि 3 हो जाएगा। फिर हम लोगों का क्या किया है दोस्तों, बीच वाला अंक आएगा यानी कि ये जो 8 है 8 हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए ना अंक को उसने इधर से उधर करके खाली लिखा हुआ था, जैसे ही आप इस तरीके से अंक को इधर उधर, पहले आप पहला वाला देखिए कैसे लिखा था, फिर दूसरा वाला को देखिए, फिर तीसरा वाला को देखिए, बिल्कुल आप समझ जाएंगे कि यहाँ पर हुआ क्या है और कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 12 नंबर क्वेश्चन दिया है, मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी गणितीय चिन्ह वाले। ये देखिए यहाँ पर कर रहा है दोस्तों, प्लस का अर्थ हम लोगों के सामने माइनस है और माइनस का अर्थ हम लोगों के सामने क्या कहा है दोस्तों, गुना है। उसी प्रकार से आगे कह रहा है दोस्तों, भाग का अर्थ हम लोगों के सामने प्लस है, उसके बाद लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने गुना का अर्थ क्या दिया है, भागा दिया गया। तो इतना बात दिया है, बस इसी को आप सॉल्व कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर जैसे 15 लिखा है और कह रहा है गुना, तो गुना के सामने क्या लेने के लिए कहा है, भाग लेने के लिए कहा है। तो इस जगह पर 3 लिख देंगे उसके बाद भाग, तो भाग के जगह हम लोगों के सामने प्लस, यहाँ पर 4 हो जाएगा। उसके बाद लिखा है दोस्तों माइनस, तो माइनस के जगह हम लोगों के सामने गुना 6, और प्लस के सामने क्या कर रहा है दोस्तों कि प्लस का अर्थ है हम लोगों के सामने माइनस, और क्या लिख देंगे दोस्तों, 7 लिख देंगे। बस इसको आप सॉल्व कर देंगे और आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों, आंसर निकल जाएगा। तो 3 पचे क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यहाँ पर 5 यानी कि इसको भागा दे देंगे दोस्तों, देखिए ना 5 में 3 से भागा दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस का प्लस, उसके बाद इधर हो जाएगा दोस्तों 6 चौक 24 हो जाएगा, और माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा। तो 24 5 कितना होता है हम लोगों का, जोड़ लीजिए आंसर निकल चुका है, 24 5 29 होता है, 29 और माइनस 7 कर देंगे दोस्तों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे यहाँ पर हुआ क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। अगला प्रश्न की हम लोगों के सामने दिया है 13 नंबर क्वेश्चन, देखिए एक दिया है दोस्तों, कोडिंग डिकोडिंग से ही डरेंगे नहीं। देखिए यहाँ पर जैसे क्या लिखा है, एस, उसके बाद लिखा है आई और आर, यानी सर के लिए क्या प्रयोग किया दोस्तों, देखिए
उसने क्या किया है, पी लिखा है, उसके बाद हम लोगों के सामने एस लिखा, उसके बाद पी लिखा, उसके बाद आई लिखा, उसके बाद पी लिखा और क्या किया दोस्तों, आर लिखा है। उसने क्या किया दोस्तों, एक बात बता देते हैं यहाँ पर, उसने जैसे मैन का पूछा जा रहा, उसने सब यानी कि जितना हम लोगों का लेटर लिखा है उसके आगे में पी लगा दिया। जैसे देखिए एस लिखा था तो एस के आगे पी, उसी प्रकार से आई लिखा तो आई के आगे भी पी, उसी प्रकार से आर लिखा पी, उसी प्रकार से यहाँ पर पी हो जाएगा उसके बाद एम हो जाएगा, उसी प्रकार से यहाँ पर पी हो जाएगा फिर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा, फिर उसी प्रकार से यहाँ पर पी हो जाएगा उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, एन हो जाएगा। तो देखिए कहाँ मिल रहा है दोस्तों, पी एम, तो पी एम यानी कि देखिए पी एम, उसके बाद हम लोगों के सामने हाँ पी एम पी, हाँ तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा इस प्रश्न का आंसर होगा दोस्तों। अच्छे से देखिए, बिल्कुल आप समझ जाएंगे। उसने क्या क्या है, जितना लेटर है सबके पहले खाली पी लगा देना था, तो इसी प्रकार से तो यहाँ पर किया, आप घबरा कैसे रहे हैं, ये देखिए एम जैसे लिखे तो उसके आगे पी कर दिए, ए लिखे पी पी लिखे, उसी प्रकार से यहाँ पर एन जैसे लिखे तो इसके आगे पी कर दिए, सबके आगे में खाली पी पी लिख दिया था, बस वही करना था। बेसिक बात को समझने का प्रयास कीजिए, आप रटिए नहीं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 14 नंबर क्वेश्चन दिया है, कागज कॉपी और लेखन सामग्री, इसका पूछा जा रहा है कि कौन सा डायग्राम होगा। तो देखिए आपको बताते हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी यहाँ पर हम लोगों का कॉपी जो है दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, यानी कि ये जो कॉपी हो जाएगा तो कॉपी किसके अंतर्गत चला जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने कागज के अंतर्गत चला जाएगा। तो यहाँ पर लिख लीजिए दोस्तों, यानी कि कॉपी जो है वो किसके अंतर्गत आ जाएंगे, कागज के अंदर आ जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर कर लेंगे, और कुछ कागज हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, लेखन सामग्री, यहाँ पर कर लीजिए लेखन, और क्या दोस्तों हम लोगों का यानी कि सामग्री हो जाएगा। तो इस तरीके से कर लीजिए, यानी कि कुछ हिस्सा इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके से। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर एक ही क्या होगा, सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर एक होगा इस प्रश्न का आंसर, यानी जितने भी देखिए कॉपी हो गया वो कागज के अंदर में ही आएंगे। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ए सही होगा। और जो एजेंसियां कंडक्ट कराई थी बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ए दिया, बहुत सारा स्टूडेंट यहाँ पर गलती करेगा, कोई दूसरा कोई तीसरा कोई चौथा ऐसे ऐसे करेगा और गलती कर देगा। देखिए जितने भी कॉपी है दोस्तों वो क्या हो जाएंगे, कागज के अंदर, अब कुछ कागज हम लोगों का लेखन सामग्री हो सकता है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 15वां नंबर क्वेश्चन करा है कि दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। विषम का मतलब चार में से तीन समान है दोस्तों, एक अलग है, कौन सा अलग है वही बात आपको बताना है। तो देखिए इसमें से आपको कुछ ना कुछ विषम आ रहा होगा, क्या विषम आ रहा है दोस्तों, ये देखिए एकदम तरीका बता देते हैं कि यहाँ पर कैसे क्या है। विषम का मतलब ही होता है भाई कि एक तो अलग होगा। तो देखिए बी के बाद क्या क्या दोस्तों, उसने सी कर दिया है, सी के बाद उसने डी कर दिया, यानी कि प्लस वन, और यहाँ भी क्या दोस्तों प्लस वन, उसी प्रकार से ई देखिए यहाँ से यहाँ जाएंगे दोस्तों तो इसमें भी प्लस वन, क्यू से आर, उसके बाद इसमें भी क्या दोस्तों प्लस वन, यानी सब में उसने क्या कर दिया, ई देखिए यहाँ पर के से एम पे जाएंगे तो के बाद होता है एल और एम, तो प्लस दो कर दिया, एम के बाद एन, तो प्लस क्या किया दोस्तों वन, उसी प्रकार से ई देखिए यहाँ पर प्लस वन, इसमें भी क्या किया दोस्तों प्लस वन, सब में प्लस वन प्लस वन, लेकिन इसमें क्या कर दिया था दोस्तों प्लस दो और प्लस वन किया था, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका तीसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बेसिक बात को समझने का प्रयास कीजिए, आप रटिए नहीं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 16 नंबर क्वेश्चन दिया दोस्तों, मैट्रिक्स यानी आव्यूह वाले प्रश्न पूछा गया। तो देखिए यहाँ पर इसका आर यू डी ई के लिए पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, इसका निकालना, हमेशा आप इस तरीके के प्रश्न को कैसे करेंगे, ये देखिए जैसे हम लोगों का पीछे से ही चेक करते हैं हमेशा, जैसे ये देखिए आर है, उसके बाद यू है, उसके बाद डी और क्या दोस्तों ई है, तो पहले हम लोग पीछे से चेक करेंगे, यानी ई के लिए, तो ई के लिए यहाँ पर तीन और तीन को उठाइए। तो देखिए यहाँ पर तीन पहले इस लाइन में है क्या, अगर नहीं रहेगा तो फिर इस लाइन में आना, लेकिन पहले वाला आप यू में ही तीन हम लोगों के सामने आए दोस्तों, देखिए यहीं पर हम लोगों के सामने तीन इधर से आ रहा है और इधर से हम लोगों का तीन आ रहा है, तो आखिरी में देखिए ई है क्या, हाँ तो ई है। उसके बाद अब लीजिए एक और जीरो को उठाइए, तो जैसे ही एक यहाँ पर ले लेंगे, इधर से जीरो ले लेंगे तो डी आ रहा है, तो क्या, हाँ डी भी है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों के सामने छ और पाँच है, तो छ कहाँ हो जाएगा दोस्तों, इस लाइन में हो जाएगा, इधर से पाँच हो जाएगा, तो यू है, तो यू भी है। उसी प्रकार से अब लीजिए पाँच और छ, तो जैसे ही पाँच और छ को लेंगे तो पाँच हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का इस लाइन में, इधर से छ, तो यहाँ पर एल आ गया, तो ये वाला नहीं होगा, यानी पहला ऑप्शन हट गया, इसको हटा दिया। ये देखिए अभी आप नहीं समझे तो फिर से एक बार देखिए, अब दूसरा ऑप्शन चेक कर रहे हैं तब आप समझ जाएंगे कि एक और एक को लीजिए आखिरी में लिए थे, एक यहाँ पर हो जाएगा और एक यहाँ पर हो जाएगा, तो देखिए ई आ रहा है कि नहीं, एक एक दोनों को लिए थे ई है,
तो देखिए ना, आर यू डी ई में आखिरी में ई नहीं है, तो बिल्कुल सही। अब लेंगे दोस्तों तीन और चार, पहले एक एक लिए, अब लेंगे तीन और चार, तो तीन इस लाइन में हो जाएगा और चार यहाँ से हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है दोस्तों, हम लोगों के सामने डी आ रहा है, तो बिल्कुल सही कह रहा है कि डी तो आ ही रहा। उसके बाद नौ और नौ, ये देखिए नौ यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, इधर से नौ हो जाएगा, तो क्या आ रहा है हम लोगों के सामने, यू आ रहा है, तो देखिए यू तो आ ही रहा है। उसके बाद हम लोगों के सामने क्या लेंगे दोस्तों, पांच और छह, तो जैसे ही लेंगे यानी पांच यहाँ पर हो जाएगा इस लाइन में और छह हो जाएगा इस लाइन में। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा क्या होगा दोस्तों, सही होगा। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार इस तरीके के प्रश्न आप वाले पूछे गए हैं। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, तो सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिए और घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट करना है दोस्तों, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया गया। ओके दोस्तों, थैंक यू, फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।